अब तक हमने देखा स्पेसशिप से निकले स्कर्ल्स सुपर हीरो अर्थ पे अटैक कर देते हैं और उनकी जंग शुरू हो जाती है। जेसिका जो कि स्पाइडर गर्ल है वो टोनी को कन्विंस करती है कि टोनी स्क्रल है और उनका ही एक प्रोग्राम है, लेकिन इधर न्यूयॉर्क की फाइट में स्क्रल्स ने मिलकर विजन को मार दिया है और वहीं पर निक फ्यूरी आ जाते हैं। इस स्टोरी की और डिटेल जानने के लिए आप मेरी बाकी के एपिसोड्स भी देख सकते हैं, क्योंकि तब आपको स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो अब शुरू करते हैं आज का थर्ड एपिसोड। आज का एपिसोड शुरू होता है एक आवाज से जिसमें कोई किसी से कह रहा होता है, उठो अब और देखो इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है और तुम्हारे लुक किस तरह से हार रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक, जिन्हें वहां किसी वैक्यूम मशीन की मदद से कैद करके रखा गया है और स्क्रॉल उससे बोल रहे हैं, हमने बहुत पहले से ही ह्यूमन को एग्जामिन किया है और अब हम उनके बीच रह के उनको ही इस दुनिया से मिटा देंगे और इसके लिए हमने पहले से ही तुम्हारे हीरोज के डुप्लीकेट भेज रखे हैं जिससे वो एक दूसरे को ही मार के खत्म कर देंगे। उसके बाद हमें दिखती है स्क्रल की एक बहुत बड़ी आर्मी जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं स्पेस में हमें एजेंट ब्रांड भी उस बबल में दिखती हैं जो कि अभी जिंदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्थ की तरफ जहाँ पे घोस्ट राइडर, निक फ्यूरी, कैप्टन मार्वल स्क्रल से फाइट कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ जो भी सुपर हीरो हैं वो सच में असली भी हैं या नहीं। लेकिन तभी स्क्रल्स ने मिस मार्वल को पकड़ लिया है तो मिस मार्वल निक फ्यूरी से मदद मांगती है, लेकिन स्टोन वॉल निक फ्यूरी से पूछता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये मिस मार्वल असली है, ये स्क्रल्स की चाल भी हो सकती है हमें फंसाने के लिए। फिर निक फ्यूरी भी उसकी बात मानकर मिस मार्वल पर अटैक कर देता है जिससे मिस मार्वल दूर जाके स्क्रल के बीच में गिरती है। अब मिस मार्वल उठती है और एक बार फिर से वो निक फ्यूरी से मदद मांगती है, लेकिन तब तक निक फ्यूरी और बाकी के सुपर हीरोज किसी पोर्टल से वहां से कहीं टेलीपोर्ट हो चुके थे और मिस मार्वल को सभी स्क्रल पकड़ के उसे दबा लेते हैं और मिस मार्वल की आंखों के सामने बस अंधेरा छा जाता है। इधर सेवेज लैंड में ब्लैक विडो उस जगह पहुंच गई है जहां टोनी स्टार्क को स्पाइडर गर्ल मैनिपुलेट कर रही है। वो टोनी से कह रही होती है कि तुम एक स्क्रल हो बिल्कुल हमारे जैसे और तुम अब हमसे मिल जाओ, लेकिन तब तक ब्लैक विडो उधर आ जाती है जिससे जेसिका यानी स्पाइडर गर्ल वहां से भाग जाती है और ब्लैक विडो अंदर आके टोनी से पूछती है कि स्पाइडर गर्ल किधर गई, तुम वो सब भूल जाओ जो भी उसने भी तुम्हारे बारे में कहा। तो टोनी पूछता है कि क्या मैं एक ह्यूमन हूँ, जिस पर ब्लैक विडो कहती है कि हाँ तुम ह्यूमन हो और अब तुमको ह्यूमन की तरह थोड़ा दर्द महसूस होगा क्योंकि मैं तुमको एड्रेनलिन शॉट देने जा रही हूँ। और इतना बोल के ब्लैक विडो टोनी को एक इंजेक्शन देती है जिसकी वजह से टोनी को कुछ ठीक लगता है और वो उठ के ब्लैक विडो से पूछता है कि तुमने ये क्या किया, तो नताशा बोलती है कि कुछ खास नहीं बस एक इंजेक्शन ही था। इधर इन दोनों की बात चल रही होती है तब तक वहाँ पे वुल्वरीन आ जाता है और ब्लैक विडो बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला देती है। इस पर लोगन बोलता है माना कि मुझमें हीलिंग फैक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी भी लैब का चूहा बना दो। तो ब्लैक विडो से सॉरी बोलती है और बताती है कि मुझे बस कन्फर्म करना था कि तुम स्क्रल हो या असली के लोगन हो। फिर आयरन मैन बोलता है कि मैंने भी मिस मार्वल को न्यूयॉर्क भेजा है मदद करने के लिए। तो ब्लैक विडो बताती है कि वो काफी देर से गायब है, जिस पे टोनी बोलता है कि फिर तो हमें रीड रिचर्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन आखिर वो है कहाँ। फिर हमें दिखती है वही स्क्रल आर्मी जिसने सॉर्ड हेडक्वार्टर को तबाह किया था और वहीं पे एजेंट ब्रांड फ्लोट करके जाती है उस स्क्रल आर्मी की एक शिप में जहां से वो स्क्रीन पे अर्थ पे हो रही तबाही और शिप पे कैद रीड रिचर्ड को देखती है, लेकिन तभी वहां पे कुछ स्क्रल आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बरमूडा ट्रायंगल की तरफ जहां जार्विस मारिया हिल से बोलता है सरेंडर करने को। तो मारिया हिल बोलती है कि आखिर कब से तुम अर्थ पे हो, तो जार्विस कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि हम कब से अर्थ पे हैं। और जार्विस बोलता है कि मैं बस तुम्हारे सरेंडर करने का इंतजार कर रहा हूँ। और वो सभी सोल्जर्स जो मारिया के साथ थे वो सभी स्क्रल्स में बदल जाते हैं जिससे हमें लग रहा है कि स्क्रल्स ने काफी पहले से ही सब प्लान करके रखा है। इधर ब्रुकलिन में द हुड गैंग के विलन आपस में बात कर रहे हैं, अर्थ पे स्क्रल ने अटैक कर दिया है, जिसपे एक विलन बोलता है कि ये हीरोज की फाइट है हम क्यों जाके लड़े। तो द हुड बोलता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अगर ये अर्थ ही नहीं बचेगी तो हमारा क्या होगा, जिसपे वो सब भी राजी हो जाते हैं हीरोज की मदद करने के लिए। इधर सेंटर पार्क में स्क्रल सभी पे अटैक कर रहे होते हैं और आम पब्लिक वहां से खुद को बचा रही होती है, तभी अचानक उन स्क्रल पे एक बिजली आके गिरती है और हमें दूर आसमान में थॉर दिखाई देता है और हमें एक ग्लिम्स दिखता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड का।
और हमने सेवेज लैंड की फाइट में जिस कैप्टन को देखा था वो शायद स्क्रल था और ये कैप्टन अमेरिका शायद असली है। इधर थंडरबोल्ट माउंटेन पे कैप्टन मार्वल नॉर्मन ऑसबोर्न के ऑफिस पे अटैक कर देता है, जिसमें नॉर्मन कैप्टन मार्वल से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या हो और अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम क्या बने रहना चाहते हो। दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता दूं कि इस इवेंट में कैप्टन मार्वल एक मेल कैरेक्टर है और जिन्होंने भी सीक्रेट वॉर की एनिमेटेड सीरीज देखी होगी उन्हें ही पता होगी। और स्क्रल ने सबसे पहले कैप्टन मार्वल को ही अर्थ पे भेजा था ह्यूमन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन उसको अर्थ पे पकड़ के जेल में कर दिया गया था। लेकिन स्क्रल के अटैक की वजह से कैप्टन मार्वल वहां से आजाद हो चुका था। फिर नॉर्मन ऑसबोर्न की बात सुनकर कैप्टन मार्वल वहां से उठ के कहीं चला जाता है। इधर किसी क्लासिफाइड लोकेशन पे निक फ्यूरी घायल यंग एवेंजर्स को लाया है और जो एवेंजर्स अभी ठीक हैं वो घायल हीरोज की इलाज कर रहे हैं और स्कल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे निक फ्यूरी उन सभी से कहता है कि शांत रहो और अब इसको सुनो। और हमें दिखाई देता है कि स्कल्स ने पूरी दुनिया में न्यूज ट्रांसमिशन के जरिए दुनिया की सभी सरकारों को ये बता रहा है कि अब दुनिया उनकी है और जो भी उनके रास्ते में आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है स्क्रल शिप की तरफ, जहाँ एजेंट ब्रेन से स्क्रल अपनी एलियन लैंग्वेज में पूछता है आखिर तुमने किस क्रिएचर का रूप बदला है और अगर तुम एक स्क्रल हो तो खुद को आइडेंटिफाई करो। और इतना बोल के वो एजेंट ब्रेन पे गन पॉइंट आउट करता है, लेकिन तभी एजेंट ब्रेन उसकी गन छीन के उसे दूर फेंक देती है और बोलती है कि कभी अपने दुश्मन से इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए, और वो उन सभी पे अटैक करके मार देती है। फिर वो उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे रीड को पकड़ के रखा होता है और रीड को मशीन से आजाद कर देती है, लेकिन रीड एजेंट ब्रांड को स्कल समझ के उसको पकड़ लेता है। तो एजेंट ब्रांड बताती है कि वो ह्यूमन है और अर्थ में हीरोज को मिस्टर फैंटास्टिक की जरूरत है। तो रीड कहता है लेकिन मेरे साथ हमें एक और चीज की भी जरूरत पड़ने वाली है। इधर अर्थ पे बरमूडा ट्रायंगल पे मारिया हिल जार्विस को अपनी बातों में उलझाते हुए बोलती है तो जार्विस द स्क्रल तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। फिर जार्विस बोलता है तुम्हारे हीरोज हार रहे हैं, तुम्हारा शील्ड हेरल्ड करियर भी शट डाउन हो चुका है और जल्दी ही डूब जाएगा, तो अब तुमको अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद करनी होंगी क्योंकि ये अब काम नहीं आने वाली हैं। तो मारिया हिल जार्विस से बोलती है कि तुमको मेरी टी शर्ट की तरफ नहीं बल्कि ऊपर देख के बात करनी चाहिए, जिस पर जार्विस कहता है बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। फिर सभी स्क्रल सोल्जर मारिया हिल पे गोलियों से अटैक कर देते हैं, लेकिन उनको तब पता चलता है कि ये एक रोबोट था मारिया हिल का और ऊपर से आवाज आती है कि जब मैंने कहा था ऊपर देखने को तो तुम्हें ऊपर देखना चाहिए था। फिर हमें दिखती है असली मारिया हिल और वो उन सभी स्क्रल्स पे अटैक कर देती है और वहां से सूट में जाते हुए हेली कैरियर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे सेट कर देती है, जिससे वो शील्ड हेली कैरियर ब्लास्ट हो जाता है। इधर स्पेस में री रिचर्ड और एजेंट ब्रांड उस एलियन शिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी स्क्रल्स ने उनकी शिप पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। फिर रीड रिचर्ड और एजेंट ब्रांड वहां से एक शिप पे अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर सेवेज लैंड में ब्लैक विडो और लोगन के पास कजार और स्पाइडरमैन आ जाते हैं, तो ब्लैक विडो अलर्ट हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ह्यूमन है या स्क्रल है। तो वुल्वरीन स्मेल करके बोलता है कि मुझे तो ये अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन लग रहा है। तो स्पाइडरमैन मजाक करके बोलता है शुक्र है तुम्हारी नाक का। लेकिन तभी वहां पे थॉर मॉकिंग बर्ड आयरन फिस्ट हॉकाई भी आ जाते हैं, जिससे वो सब और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन असली है और कौन स्क्रल है, और वो एक दूसरे से क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन तभी उधर एम्मा फ्रॉस्ट और मिस मार्वल आ जाती है। एम्मा बताती है कि मैंने सभी के माइंड्स रीड किए हैं और मुझे स्पाइडरमैन में कुछ अलग लग रहा है और यहाँ पे स्पाइडरमैन ही स्क्रल है। तो स्पाइडरमैन बोलता है अरे कुछ तो खौफ हो खुदा का, सफेद कपड़ों में काला झूठ बोल रही हो, जिस वजह से वहाँ टेंशन का माहौल बन जाता है। फिर थॉर बोलता है कि इस मकड़े को तो मैं ही खत्म करूंगा और तभी वहाँ पे बहुत जोर रोशनी के साथ बिजली नीचे गिरती है और हमें शिप में रीड रिचर्ड एक गन लेके दिखाई देता है, जिसकी बनाई मशीन की वजह से सभी स्क्रल्स अपने असली रूप में आ जाते हैं जो कि है मिस मार्वल, थॉर, मॉकिंगबर्ड और एम्मा फ्रॉस्ट। फिर सभी हीरोज और स्क्रल्स एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। स्पाइडरमैन लड़ते लड़ते बोलता है इन हरे लोगों के काले झूठ के चक्कर में मेरा तो लाल खून बह जाता। फिर रीड सुजन की स्क्रल को पकड़ के पूछता है कि आखिर उसके बच्चे किधर हैं, तो वो स्क्रल सुजन बोलती है कि वो सेफ हैं। तभी एजेंट ब्रांड बताती है कि न्यूयॉर्क सिटी में हालात अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से उन सबको वहां जाना होगा। तो स्पाइडरमैन हॉकआई को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन हॉकआई मॉकिंग बर्ड की बॉडी के पास बैठा होता है और गुस्से से बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं इन स्क्रल्स को जिसने हमसे हमारी फैमिलीज चुरा ली, हमको हमारे फ्रेंड्स के खिलाफ लड़वा दिया। और इन्हीं लाइन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। और आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और तब तक आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें। Like you, be strong to hold the powers of the sun.
dreams.